तो आज डिस्कस करेंगे एडवांस सैलरी क्या होता है और एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है। तो एडवांस सैलरी इज अ टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, वेयर एज एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज ट्रीटेड एज अ लोन, हेंस नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो मतलब इन दोनों में से क्या टैक्सेबल होने वाला है? एडवांस सैलरी टैक्सेबल होने वाला है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होता। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, राइट? तो आप एग्जांपल देख लीजिए। से सपोज मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट एग्जांपल देने वाला हूं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, राइट? जॉब करते हैं, मान लीजिए ये मंथ ऑफ मार्च है, मार्च 2022 है। ये कहां से कहां तक होता है ये मंथ? 1 मार्च 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022, ये वाला कंप्लीट मंथ हो गया है ना, ये एक मंथ हो गया। अब मान लीजिए कंपनी ने आपको इस महीने की सैलरी कहां दे दी? सैलरी पेड बाय कंपनी ऑन 31 मार्च 2022 को, मतलब कौन से सैलरी, कौन से साल में सैलरी पे कर दी? 21-22 में, मतलब ये मार्च महीने की सैलरी आपको कंपनी ने मार्च महीने में ही दे दी। अब मान लीजिए आज की डेट है 31 मार्च 2022, अब नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ की जो सैलरी है, जो अभी हुआ नहीं है मंथ, आने वाला मंथ है, मान लीजिए आने वाला मंथ कौन सा है? अप्रैल 2022 है, मतलब ये साल चेंज हो जाएगा, 22-23 साल हो जाएगा। अब ये मंथ की सैलरी, मतलब 30 अप्रैल तक की सैलरी, अभी 30 अप्रैल आया भी नहीं है, आज कौन सी डेट चल रही है? आज करंट डेट कौन सी है? करंट डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये करंट डेट है अपनी, करंट डेट है ना। अब होता क्या, अब करंट डेट को कंपनी ने आपको अगले साल के अप्रैल मंथ की, मतलब जिसका काम अभी हुआ भी नहीं है, वो मंथ की सैलरी भी कंपनी ने आपको 31 मार्च को ही दे दी। मतलब 31 मार्च को आपने दो सैलरी रिसीव की है ना, दो सैलरी रिसीव की। कौन सी सैलरी रिसीव की आपने? मार्च मंथ की भी सैलरी रिसीव की, और जो अभी हुआ नहीं है मंथ, आपने काम भी नहीं किया है, वो मंथ की भी सैलरी आपने इसी मंथ में रिसीव करी, बराबर। वैसे देखा जाए तो ये अप्रैल वाली सैलरी जो थी वो 22-23 ये साल की सैलरी थी, लेकिन आपने रिसीव कब कर ली है सैलरी? मार्च महीने, मतलब 21-22 में ही रिसीव कर ली। और हमें हमारा रूल क्या बोलता है सैलरी का, कि सैलरी इज अ टैक्सेबल ऑन अ ड्यू और अ रिसीट, विच एवर इज अर्लियर, मतलब ड्यू और रिसीट दोनों में से जो पहला इवेंट होने वाला है वो इवेंट हम पकड़ेंगे और उसका साल कौन सा है वो देखेंगे, मतलब इन दोनों में जो घटना पहले घटने वाली है उसका साल क्या है। जैसे कि अप्रैल में मिलने वाली सैलरी आपको मार्च में मिली, तो मार्च कब मिली, रिसीट कब हुआ? मार्च में रिसीट हुआ, तो मार्च का ईयर कौन सा था? मार्च का ईयर था 21-22 था, तो ये अप्रैल महीने की, मतलब अगले मंथ की सैलरी भी आपकी इसी साल में टैक्सेबल हो जाएगी। इन नटशेल मतलब क्या है कि दोनों मंथ की सैलरी इसी साल में 2022 and 21-22 में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि इसका रिसीट पहले हो चुका है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी मान लो कोई एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के चला जा रहा है, या फिर कंपनी उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो कंपनी शायद बोलती है कि यार अप्रैल मंथ की कम से कम तू एक महीना कर ले, है ना, हम तुझे एडवांस में सैलरी दे देते हैं, एडवांस में सैलरी दे देते, मतलब काम बाद में कर तू, पहले सैलरी दे ले। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी कंपनी एडवांस में सैलरी देती है, या फिर कोई नई अपॉइंटमेंट हो कंपनी में, तो ऐसी सिचुएशन में भी कभी कभी कंपनी एडवांस में सैलरी दे देती है। तो इसे बोला जाता है, ये पहला वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया ये बोला जाता है एडवांस सैलरी। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या है? सेम पॉइंट है लेकिन थोड़ा अलग है, जिसे हम बोलते हैं एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अब एडवांस अगेंस्ट सैलरी में क्या हो रहा है, मान लीजिए आप किसी मंथ, चलो मंथ का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे छोटे लाइन ड्रॉ करता हूं मैं।
सपोज मान लो इस महीने में आपने ज्वाइन किया, 1/4/2022 में ज्वाइन किया, और आपका मंथ कब खत्म होने वाला है? मंथ खत्म होने वाला है 30 अप्रैल 2022 को, मंथ खत्म होने वाला है, और लगभग सैलरी है ना, ये महीने की जो सैलरी होती है, मतलब ये अप्रैल का मंथ है ना, कोई भी काम पूरा कंप्लीट करेगा, कोई भी काम पूरा कंप्लीट करेगा, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ सर, तो सर अब कोई भी कंपनी सैलरी कब देगी? मंथ खत्म होने के बाद देगी। मान लीजिए कंपनी की पॉलिसी है कि मंथ की सैलरी, हर मंथ की सैलरी वो नेक्स्ट डे को करती है ना, नेक्स्ट डे मतलब अब ये सैलरी कब हो जाएगी? 1/5/2022 को होने वाली, अप्रैल मंथ की सैलरी आपको 1 मई को मिलने वाली है, बराबर। लेकिन मान लीजिए ये बीच में एक ऐसा दिन आ गया, कौन सा दिन आ गया? ये वाला दिन आ गया, मान लीजिए ये 15th of April, ये वाला दिन आ गया। अब ये वाले दिन में आपको बहुत ज्यादा नीड है पैसों की, नीड है पैसों की, नीड का मतलब समझते हो, आपको बहुत ही पैसों की जरूरत है। अब पैसों की जरूरत है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपकी सैलरी कब होने वाली है? आपकी सैलरी तो मई में होने वाली है ना, मई में होने वाली, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? अब मई तक तो आप इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई, हॉस्पिटल की सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आदमी की जरूरतें बहुत बड़ी है, अब आपको पैसे की जरूरत है, तो अब पैसा कहाँ से लाओगे? सैलरी तो आपको 1 तारीख को मिलने वाली है, या तो आप किसी रिलेटिव को पैसा मांगोगे, रिलेटिव को पैसा मांगोगे तो क्या बोलोगे उसे? बोलोगे कि रिलेटिव क्यों बोलेगी, हे रिलेटिव मुझे थोड़ा 20,000 रुपये उधार दे दे तेरे पास से, है ना, मैं, मेरी सैलरी 1 तारीख को होने वाली है, जब मेरी सैलरी हो जाएगी यहाँ पे, जो भी सैलरी है मान लीजिए 50,000 रुपये आपका सैलरी है, ये सैलरी जब होगी तब उस सैलरी में से 20,000 आपको वापस दे दूंगा, ये एक सिचुएशन हो सकती है रिलेटिव की तरफ से। या फिर आप लोन ले सकते हैं, अब लोन लेने के लिए उतना समय नहीं, आपको अर्जेंट में पैसा चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप है ना, मान लो रिलेटिव पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अपनी कंपनी को, खुद की कंपनी को अप्रोच कर रहे हो कि बोल रहे हो कि हे कंपनी, मैं ऑलरेडी 15 दिन काम कर चुका हूं, आगे के 15 दिन भी मैं काम करने वाला हूं, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। क्या है? मुझे पैसों की जरूरत है, तो मेरी जो सैलरी आप 1 तारीख को करने वाले हो वो तो होने वाली है, मुझे काम कीजिए अभी के लिए 20,000 रुपीज दे दीजिए, अभी के लिए क्या दे दीजिए? 20,000 रुपीज दे दीजिए, और जब मेरा पेमेंट आप 50,000 करने वाले हो, उसमें से वो 20,000 आप निकाल लीजिए और मुझे बाकी के 30,000 ही दे दीजिए। सिचुएशन समझ में आ गई क्या है सिचुएशन? यस यहां पे आपको एडवांस सैलरी मिली या आपको एडवांस मिला सैलरी के अगेंस्ट, ये पॉइंट क्लियर कर लो। आपको क्या मिला? आपको कंपनी ने एडवांस सैलरी नहीं दिया, अगर कंपनी ने आपको एडवांस सैलरी दिया तो वो बात अलग हो गई, मतलब काम है ना, काम होने से पहले आपको सैलरी आपके खाते में डिपॉजिट कर दी, वो बात अलग है। यहां पे कंपनी ने आपको क्या, आपका जो पैसा मिलने वाला है, आप ही को मिलने वाला है, उसी पैसे के अगेंस्ट है ना, उसी पैसे के अगेंस्ट ये 20,000 सिर्फ आपको एडवांस में दे दिए, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा एडवांस अगेंस्ट सैलरी। दोनों में फर्क है, एडवांस सैलरी ये क्या होती है, ये होती है किसी खास सिचुएशन में किसी खास एम्प्लॉय को ही सैलरी मिलती है, कंपनी आपको रखना चाहती है आपकी कंपनी में, या फिर आपको, या आपको कंपनी में बुलाना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे है ना प्रपोजल दिए जाते हैं कि भाई हम आपको एडवांस में सैलरी देंगे, आप हमारे यहाँ पे काम कर लो, ये वाली सिचुएशन अलग है और ये वाली सिचुएशन अलग है। ये वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, कंपनी आपको सैलरी के अगेंस्ट आप ही का पैसा दे रही है ना, आप ही का पैसा सिर्फ एडवांस में दे रही है, इसे हम एडवांस सैलरी नहीं बोलते, सो ये टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल। ये जो 20,000 रुपये यहाँ पे दिया ये नॉट टैक्सेबल है, मतलब ये 50,000 टैक्सेबल होगा लेकिन इसी डेट को टैक्सेबल हो जाएगा, ये डेट को ये सैलरी नहीं मानी जाएगी, इसे लोन बोला जाएगा है ना, और ये डेट को जो 50,000 सैलरी होने वाली इसे सैलरी बोला जाएगा, ठीक है। तो फर्क क्या है, सिर्फ फर्क इतना है कि बस
इस डेट को टैक्सेबल होगा ना कि इस डेट को। 15 अप्रैल को कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, जो भी टैक्सेबल होगा वो 1 मई को टैक्सेबल हो जाएगा। आया समझ में? यस। आगे चलते हैं। तो ये रहा एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अब कुछ पॉइंट्स है जो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में भी यहाँ पे डिस्कस किए थे, वो पॉइंट्स हम फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी, यहाँ पे क्या बोला, सैलरी विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आप इंडिया में सैलरी रिसीव कर रहे हो, है ना, तो क्या बोला है, इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी। अगर आपने सैलरी इंडिया में रिसीव किया, आप कहीं के भी हो सकते हो, आप जापानीज हो सकते हो, चाइनीज हो सकते हो, कहीं पे भी जॉब करते होंगे, वो बात मैटर करती नहीं है। सिर्फ इतना देखा जाएगा कि भाई पैसा तूने कहाँ रिसीव किया, इंडिया में रिसीव किया क्या, फिर तो हम कुछ नहीं देखेंगे। सबको टैक्स लगाया जाएगा अगर तुमने पैसा इंडिया में रिसीव कर लिया, वेदर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, सैलरी इज डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया प्रोवाइडेड द सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया। आपने सर्विस, हाँ लेकिन इसमें रूल है कि आपने इंडिया में सर्विस देना जरूरी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाता है, ये सेकेंड वाला पॉइंट छोड़ दो, ये वाला पॉइंट है ना। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जो हमने देखे थे, कब देखे थे, रेसिडेंशियल स्टेटस में देखे थे। अगर आपको वो एक्सेप्शंस देखने हैं तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर हमने लिया था वो चैप्टर आप, है ना, खोल करके देख सकते हो, वो भी वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब टैक्स पॉइंट में यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए, फटाफट से इलस्ट्रेशन कर लेंगे हम। अब एम्प्लॉय कोई भी हो, मतलब है ना, कोई भी एम्प्लॉय हो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो, एम्प्लॉयर भी कोई भी हो, प्लेस ऑफ सर्विस, अगर सर्विस इंडिया में दिया आपने, सैलरी कहीं पे भी रिसीव कर लो, इंडिया में सर्विस दिया ना, इंडिया में सर्विस दिया मतलब काम इंडिया में किया और पैसा कहीं और जाके रिसीव कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल रेसिडेंशियल स्टेटस में इसके दिए है, आप वो चैप्टर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं अगेन एंड अगेन, नहीं समझा तो फिर से देख सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में एम्प्लॉय कोई भी हो, एम्प्लॉयर कोई भी हो, मतलब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि ये फॉरेन कंट्री का एम्प्लॉयर है, फॉरेन कंट्री का एम्प्लॉय, कोई मैटर नहीं करता। प्लेस ऑफ सर्विस मतलब आपने सर्विस इंडिया में नहीं दिया, कहीं पे भी दिया, मतलब मान लो चाइना में दिया, है ना, चाइना में सर्विस दिया लेकिन सैलरी कहाँ पे रिसीव कर दिया, गलती कर बैठा तूने, सैलरी इंडिया में रिसीव कर दिया तो टैक्सेबल इन इंडिया, है ना। दोनों में से कोई भी, प्लेस ऑफ सर्विस या तो इंडिया में या तो फिर सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, यहाँ पे भी क्या है, जो या दोनों में से कोई एक चीज भी इंडिया में हो गई तो यहाँ पे इंडिया में ही सैलरी टैक्सेबल होने वाली है। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, आप देख लो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर, है ना। एनीवेयर आप सैलरी कहीं पे भी, प्लेस ऑफ सर्विस कहीं पे भी दे दो और सैलरी भी कहीं पे भी दे दो, इस बंदे को तो सब टैक्सेबल होने वाला है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, है ना। आरओआर को सब ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है बेटा, मैंने हर बार समझा आपको, आरओआर को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, कहीं पे भी जाके कोई भी कांड कर ले, वो कितना भी पैसा कमा ले, इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन है, अब यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ, सिटीजन की बात कर रहा हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, मतलब वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, जैसे कि रेलवेज का एम्प्लॉई है, है ना, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट के जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, काम कहाँ करता है लेकिन आउटसाइड इंडिया काम करता है, जैसे कि हर कंट्री की एम्बेसी होती है दूसरी कंट्री में, है ना, वहां के लोगों को गाइडेंस करने के लिए, जो भी मतलब यहाँ से लोग वहां पे इमिग्रेशन होके चले जाते हैं उन लोगों के लिए होती है, तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, काम कहाँ पे कर रहा है, बाहर जाके कर रहा है, जैसे कि आजकल बहुत सारी मूवीज में देखने को मिल रहा है रॉ एजेंट, है ना, ये रॉ एजेंट किसके एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, लेकिन काम कहाँ पे जाके करते हैं, ये आउटसाइड इंडिया जाके काम करते हैं। अब इनको सैलरी, है ना, उसी कंट्री में मिले, इंडिया में मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल कहाँ होने वाला है, ये तो इंडिया में ही टैक्सेबल होने वाला है, बंदा इंडियन गवर्नमेंट का है, सैलरी इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है, डॉलर में दे रहा है या रुपए में दे रहा है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहाँ पे टैक्सेबल होगा, टैक्स हम उसको कहाँ लगाएंगे, हम इंडिया में ही टैक्स लगाएंगे। आगे चलते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑब्लिक नॉन रेसिडेंट, कोई नॉन रेसिडेंट है मतलब इंडिया का नहीं है वो, एम्प्लॉयर कोई भी हो, अगर वो आउटसाइड इंडिया ही जॉब करता है और आउटसाइड इंडिया ही उसको सैलरी मिलती है तो नहीं, यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला नहीं है। और किसी बाहर के देश के आदमी को जो बाहर ही सर्विस कर रहा है और बाहर ही उसको सैलरी मिल रही है
तो हम यहाँ पे क्यों टैक्स लगाएंगे? जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में काम करता है ना, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में काम करता है और सैलरी भी अमेरिका में ही रिसीव करता है, तो उसको हम इंडिया में टैक्स लगाने का क्या अधिकार है हमें? अब डोनाल्ड ट्रंप की सैलरी हम इंडिया में टैक्सेबल कब कर सकते हैं? जब वो सैलरी इंडिया में रिसीव करेगा। अगर गलती से भी उसने अमेरिका में काम किया और इंडिया में सैलरी रिसीव कर ली, मतलब पैसा इंडिया में, सुटकेस इंडिया में लिया, तो यहाँ पे उसको भी हम यहाँ पे टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों भी चीजें, मतलब सर्विस भी उसने बाहर दे दी और सैलरी भी उसने बाहर दे दी, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल होने वाला नहीं है। इज इट अंडरस्टूड? यस, आपको समझा ऐसा मुझे लगता है और समझना ही चाहिए, राइट? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हम अब देखने वाले कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी एट ग्लांस। हमें सैलरी का फॉर्मेट, मतलब सैलरी किस तरह से, कैसे कंप्यूटेशन होता है सैलरी का, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दिया है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ मिस्टर, जो भी होगा, मिस्टर मिसेज जो भी होगा, फॉर द असेसमेंट ईयर। हमें यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखना होता है। हम प्रीवियस ईयर का इनकम उसका ढूंढ के निकालते हैं और उसका उसको टैक्स कब लगाते हैं? हम असेसमेंट ईयर में लगाते हैं। ये बात मैंने क्लियर कर दी थी। अब यहाँ पे सैलरी के कॉम्पोनेंट्स, मतलब सैलरी जो भी आपको सैलरी मिलती है ना किसी भी कंपनी से, मान लीजिए 50,000 सैलरी, तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी आपको 50,000 सैलरी, मतलब सब उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए बेसिक सैलरी 5,000 मिलती है ना, एक 500 रुपए की फीस मिलती है, कमीशन सपोज नहीं मिलता किसी किसी कंपनी में, बोनस मान लीजिए बोनस मिलता है आपको, एक 5,000 रुपए बोनस मिलता है पर एनम मिलता है, हर साल मिलता है। ग्रेचुटी वैसे तो नहीं होती, लीव एनकैशमेंट नहीं, पेंशन नहीं, छोड़ दो रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन नहीं, अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं आपको। जैसे कि डियरनेस अलाउंस सपोज मान लो 10,000 रुपीज मिल गया, हाउस रेंट अलाउंस मान लो 5,000 रुपये मिल गया, तो ये 5,000, ये 500, ये 5,000, ये हो गए 10,500, ये 20,500 और ये 5,000, 25,500, और उसमें और कुछ सपोज मान लो 24,500, ऐसा मिला के आपको 50,000 सैलरी होती है ना। मतलब सैलरी में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन अलग अलग जो भी है ना देने, अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर ये 50,000 है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर ये यहाँ पे आपको 50,000 सैलरी कभी भी मिलती है ना। तो ये सैलरी में कंपोनेंट्स होते हैं, तो एम्प्लॉय को जो भी कंपोनेंट मिल रहे हैं ना, ये जो भी है ना हेड के अंदर जो भी नाम से उसको सैलरी मिल रही है, वो सभी इनकम को हम जोड़ देंगे, सभी इनकम को हम जोड़ देंगे। सैलरी में कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो ये तो हो गया कंपोनेंट, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले। इसको क्या, ये ग्रेचुटी क्या होता है सर, लीव इनकैशमेंट क्या होता है, पेंशन क्या होता है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होता है, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ये क्या होता है, ये वाले पार्ट तो वैसे तो रिटायरमेंट के पार्ट है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन वाला पार्ट होता है सैलरी में, आपको अलग अलग तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, तो ये वाला पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं, अलाउंसेस। अब अलाउंसेस में इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है, हर एक अलाउंसेस को हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखना है ना, अलग तरीके से। इसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इस तरह के सारे अलाउंसेस का मिलके जो भी जितने भी सारे आपको अलाउंसेस मिले उन सबको हम जोड़ देंगे। फिर बाद में परक्विजिट, परक्विजिट का मतलब होता है नॉन कैश बेनिफिट, नॉन कैश बेनिफिट होता है, मतलब ये जो आपको बेनिफिट मिलता है वो कैश में नहीं मिलता, अलाउंसेस आपको कैश में मिलते हैं, मतलब इसका पैसा मिलता है आप लोगों को। और परक्विजिट का मतलब क्या होता है, पर्स का मतलब होता है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है ना। लेकिन इनकम टैक्स में मैंने बोला था कि इनकम कैश में हो या काइंड में हो, दोनों ही टैक्सेबल है ना। काइंड में मतलब आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, किसी ना किसी है ना स्वरूप में बेनिफिट मिल रहा है, वो भी यहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा। बेनिफिट मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कंपनी ने कोई नौकर दे दिया, अब नौकर को सैलरी, नौकर को जो पेमेंट देना है, अगर आप खुद से दे देते, मान लो कंपनी को सपोज कंपनी, आप बड़े एम्प्लॉय हो कंपनी के है ना, बड़े एम्प्लॉय हो मतलब बहुत, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे हो, अब कंपनी आपको चाहे आपके घर में नौकर रखने के लिए 5,000 रुपये दे दे, या फिर उस नौकर का पेमेंट खुद कंपनी कर दे, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है।
आपको 5,000 सैलरी में बढ़ा के दे दे या फिर उस नौकर का पेमेंट कंपनी खुद दे दे, बात तो एक ही है ना, उसका फायदा तो आप ही को होने वाला, नौकर तो आपके लिए काम करने वाला। तो ऐसे जो कंपनी है ना खुद पेमेंट कर रही है वो भी आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे उसे परक्विजिट बोला जाता है। तो वन बाय वन हम ये परक्विजिट भी यहाँ पे देखने वाले, राइट। और ये सब देखने के बाद हमें इसे है ना इसे ग्रॉस, मतलब सारा इनकम जोड़ने के बाद जो आता है उसे ग्रॉस सैलरी बोला जाएगा, और उसमें से हम कुछ डिडक्शंस अलाउड है जो कि इनकम टैक्स ने खुद दिए, जिसे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 बोला जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। ये तीन डिडक्शन करने के बाद, डिडक्शन मतलब इसे माइनस करना होता है ना, गवर्नमेंट ने आपको खुद दिया कि अरे भाई आपकी सैलरी में ये वाले पार्ट है तो हम इसे माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दो। ये माइनस करने के बाद जो सैलरी आएगी उसे बोला जाएगा टैक्सेबल सैलरी, ऐसा बोला जाएगा, राइट। तो ये होता है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा, हम डिस्कस करेंगे सारे अलाउंसेस को, हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रेचुटी वाला और जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाले जो पार्ट है वो पार्ट हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलाउंसेस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम तीन कैटेगरी के हिसाब से अलाउंसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली कैटेगरी होगी जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है, मतलब जिसके ऊपर पूरा टैक्स लगता है, कोई वहां पे डिडक्शन नहीं मिलता है ना। दूसरे अलाउंसेस जो होंगे वो होंगे उसमें कुछ एग्जम्पशंस अलाउड है, और तीसरे वाले जो अलाउंसेस होंगे वो आपके खर्चे के बेसिस पे अलाउ किए जाएंगे और या फिर उसको डिडक्शन दिया जाएगा। ऐसे वाले तीन अलाउंसेस के हम अलग से लिस्ट देखेंगे और उसके बाद हम ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाले पार्ट देखेंगे, राइट। तो आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे, आज आप रिवाइज कर लो, बार बार वीडियोस देख लो बेसिक्स के पार्ट की, फिर बाद में हम जो भी है वो कल से हम अलाउंसेस के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ।